नमस्कार इंडिया का स्वागत है विरखनी गलिया। सैयद ब्रजेश कुमार सिंह द्वितीय पुनर्तित अभी भी सरकार के वादे पूरे नहीं। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बाल्टी विकासखंड बेरू अरबरी क्षेत्र में विद्यावान नारायणपुर निवासी सैयद ब्रजेश बहादुर सिंह के द्वितीय शहादत दिवस के अवसर पर ग्राम सभा के लोगों ने उनकी आदम कद प्रतिमा पर माला फड़कर उनके शहादत को याद किया गया। मालूम हो कि सैयद ब्रजेश सिंह 15 सितंबर 2017 को रीक में आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए थे, जिनकी प्रथम शहादत पिछले वर्ष प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने उनकी प्रतिमा और प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया था। और इसके अलावा प्रतिमा स्थल पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम सैयद ब्रजेश सिंह के नाम से किया गया था। इस दौरान राजमंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा मेटीटार चौराहे पर नाम सैयद ब्रजेश बहादुर सिंह चौराहा करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक न चौराहे पर गोलंबर बना और न ही चौराहे पर ब्रजेश बहादुर सिंह के नाम से कोई बोर्ड लगा। आपने एक पर्चे बता दीजिए। सर मैं शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी सुष्मिता सिंह। जी आप एक शहीद की पत्नी है, आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दुख है, सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया। आप क्या नहीं पूरा हुआ? के माध्यम से क्या चाहते हो, क्या कौन सा वादा पूरा नहीं कर पाई सरकार? शहीद हुए हैं इस बात का तो बहुत दुख है, लेकिन सर क्या करें, सरकार वादा की थी कि उनके नाम पे जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पर उनके नाम से स्टेडियम बनाया जाएगा, जो अभी तक कुछ मतलब उस तरह खाली है जगह और वहाँ पर कुछ नामों निशानी, स्टेडियम के नाम पे कोई नाम निशानी नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो देश के लिए अपना इतना कर सकता है तो सरकार को थोड़ा और अपना भी सोचना चाहिए कि जो देश के लिए जान दे सकते उसके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए, उनके नाम पर स्टेडियम बनाए। कहीं ना कहीं ये मानना है कि सरकार भी अपने सैनिकों की अनदेखी कर रही है। जी सर, सरकार सही अनदेखी कर रही है सर, सैनिकों का जान एकदम, किसी सैनिकों का जान का कोई कीमत नहीं है सर। कहा जाता है कि एक देश की जो उनकी हड्डी उसकी सेना होती है, अगर सेना जागती है तो उस देश के लोग शांति से होते हैं, इसको अब की सर देखती है। ये तो सही बात है, जब ऋणी नहीं होगा तो फिर देश का तो अर्थव्यवस्था होगा ही, हम ये चाहते हैं कि जब ऋणी को ही मजबूत किया जाए ताकि देश का वहाँ जो रक्षा है वो भी मजबूत रहे। आपका कहना का तात्पर्य है कि जो भी सरकार लागा जी उसमें असल इसको पूरा करना। जी सर। हमारा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं इस गांव का हूँ और ये हमारे सगा मौसी का लड़का भी है जो शहीद हुए हैं, और इनसे मैं छोटा हूँ, ये हमसे बड़े थे, हमारे मौसी का लड़का भाई रखते थे। जिस प्रकार से ये आपके भाई थे जी, तो हर कहीं ना कहीं हर बात आपको शेयर करते होंगे। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं? हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी बचपन से क्या रुचि थी, क्या करना चाहते थे? इनकी बचपन से रुचि यही थी कि जब हम लोग पढ़ते थे तो इनसे हम 3 क्लास जूनियर थे तो बाजडी में एनसीसी ये करते थे। अच्छा, मतलब फोर्स वाला इनका मूड शुरू से था, फोर्स में हो गए।